साथियों, टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग देश में, उत्तर प्रदेश में रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा माध्यम है। ये पूरा क्षेत्र तो बुनकरों का, कालीन उद्योग से जुड़े कलाकारों और श्रमिकों का एक प्रकार से मुख्य केंद्र है। लाखों परिवारों का जीवन कपड़ा और कालीन उद्योग पर चलता है। इसी टेक्सटाइल उद्योग को नया आयाम देने का प्रयास इस वर्ष के बजट में किया गया है। जैसे जैसे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार हुआ है, टूरिज्म बढ़ रहा है, डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर विस्तृत हो रहा है, वैसे वैसे इन सेक्टर में टेक्सटाइल की डिमांड भी, और वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल की डिमांड भी बहुत व्यापक हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज भारत हर वर्ष करोड़ों रुपयों से अधिक का टेक्निकल टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है, आयात करता है, लेकिन जितना कारपेट हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल हम इंपोर्ट करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए इसके रॉ मटेरियल यानी पॉलीमर फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इस बजट के अंदर खत्म कर दी गई है। दशकों से टेक्सटाइल की दुनिया से जुड़े लोग दशकों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन उस काम को इस सरकार ने इस बार पूरा कर दिया है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी शुरू किया गया है, जिस पर आने वाले 4 सालों में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में टेक्निकल टेक्सटाइल के निर्माण से जुड़ी जरूरी सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और स्किल का निर्माण किया जाएगा।